गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, बड़ों को पैरी पहना, छोटों को प्यार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हमने पेस्ट्री बनाई है ओरियो बिस्कुट के साथ, बहुत आसान तरीके से। आप किस तरह से बनाना चाहते हैं तो चलो चलते हैं किचन में। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। चलो चलते हैं किचन में, बनाते हैं ओरियो बिस्कुट के साथ पेस्ट्री एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओरियो बिस्कुट से पेस्ट्री बनाने के लिए मैंने दो पैकेट ओरियो बिस्कुट लिए हैं चॉकलेट फ्लेवर के। तो उसको निकालते हैं बाउल के अंदर। दो पैकेट निकाल लेते हैं और उसको चॉकलेट जो उसमें क्रीम लगी होती है उसके साथ ही इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये क्रीम लगी हुई है, उसके साथ ही मैं इसको ग्राइंड कर लेता हूँ। मिलते हैं ग्राइंड के करने के बाद। मैंने ये ग्राइंड कर लिया, पाउडर फॉर्म में ले आए हैं उसको। तो उसके अंदर हम एक टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर डालते हैं और मैंने एक कप दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर में है। थोड़ा थोड़ा करके ये डालते हैं और उसका एक घोल तैयार करते हैं हम। अच्छे से मिक्स करते हैं इसको। थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं थोड़ा और मिल्क इसमें ऐड कर रहा हूँ। अच्छे यहाँ से मिक्स करते हैं और इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। अच्छे यहाँ से घोल हमारा तैयार हो गया। थोड़ा सा मैं अभी भी लगा तो मैं दो टेबल स्पून के करीब डाल रहा हूँ। मैंने एक कप दूध लिया था तो उसमें भी मेरा आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा है, बस बाकी बच गया है दूध और हमारा बैटर तैयार हो गया है। इस तरह का होना चाहिए। इसको हम एक साइड रखते हैं और एक ट्रे लेते हैं जिसमें मैं इसका बेस तैयार करूंगा। मैंने एक पतला साइज की ट्रे ली है, ज़्यादा ऊँची नहीं है। उसको ऑयल से हम ग्रीस करते हैं अच्छी तरह से, जिससे ये आराम से निकल जाए, डिमोल्ड हो जाए। नीचे बटर पेपर लगाते हैं, बटर पेपर पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। बटर पेपर पे ऑयल लग गया है। अब ये जो बैटर है इसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, अच्छे यहाँ से फैला लेंगे। अब पतली इसको हमने पतला ही बनाना है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना, कि हम इसके पीसेस काटेंगे और एक के ऊपर एक पीस तैयार करेंगे। टैप करते हैं और अच्छे यहाँ से फैला लेते हैं हम और उसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे 12 से 15 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा मोटा नहीं है तो पतला है तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा इसका। तो उसको माइक्रोवेव में मैंने गर्म करने के लिए प्री हीट कर लिया था माइक्रोवेव, तो उसको रखते हैं। और ये मैंने विप क्रीम ले रहा हूँ, एक नीचे मैंने आइस रखी है कि जल्दी से मेल्ट ना हो। एक कप के करीब इसमें मैं विप क्रीम डाल रहा हूँ और उसको अच्छे से विप करके लेकर आता हूँ। विप क्रीम कैसे विप करते हैं इसकी मैंने वीडियो पहले भी डाल रखी है अपने चैनल में, आप वहाँ पर जाके मेरे केक की रेसिपी में देख सकते हैं। हमारा एक केक अच्छी तरह ठंडा हो गया है, मैंने निकाल लिया था माइक्रोवेव से। अब इसको निकाल के डीमोल्ड करते हैं। बस स्पंची बना है और आराम से निकल भी गया। ये बटर पेपर हटाते हैं आराम से। और जितनी साइज़ की आपको पेस्ट्री चाहिए उस साइज़ की आप इसको पीसेस कर लेते हैं। मैं इससे तीन पेस्ट्री बनाऊंगा तो उसके हिसाब से मैं कट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कितनी बड़ी बनानी है। एक के ऊपर ये रख के साइज़ ले लेते हैं और उसको काट लेते हैं। तीनों से इक्वल कट गए हैं, इसके दो पीस कर लेते हैं और उसके भी दो पीस हो जाएंगे तो तीन पेस्ट्री हमारे आराम से बन जाएगी बड़ी साइज़ की। ये मैंने विप क्रीम ली थी और इसको मैंने प्लास्टिक रैप में डाल लिया है और उसको लेयर करते हैं अच्छी तरह से। आप अपनी लेयर अपने हिसाब से देख सकते हो कितनी मोटी लगानी है। मैं इस पर तीन बार लेयर लगाऊंगा अच्छी
इसमें हम जब कट करें तो बहुत अच्छी लेयरिंग आएगी इसमें। ऐसे मैं सभी के ऊपर व्हिप क्रीम की लेयरिंग कर लेता हूँ। सब पे हो चुकी है तो इसके ऊपर हम दूसरा बेस इसके ऊपर रखते हैं आराम से, अल्लाह प्रेस करते हैं। और इसके ऊपर भी हम व्हिप क्रीम की कोटिंग करते हैं। सभी पे अच्छी तरह से व्हिप क्रीम की कोटिंग कर लेते हैं। चाकू की मदद से इसको हम फ्लैट करते हैं आराम से, क्रीम को स्मूथ कर लेते हैं आराम से, हल्के हाथ से करेंगे बहुत बढ़िया से स्मूथ हो जाएगी। और साइड से भी हम ऐसे ही कर लेते हैं इसको फिनिश। और स्टार नोजल की मदद से मैं इसके ऊपर एक फ्लावर सा बना लूँगा। और हमारी पेस्ट्री तैयार हो जाएगी। मैंने स्टार नोजल लिया है तो उसमें मैं स्टार बनाता हूँ ऊपर। ये स्टार नोजल लिया मैंने, सब पे मैं एक एक स्टार से बना लेता हूँ, बहुत बढ़िया लगेगा। ये हमारी पेस्ट्री तैयार हो गई है, अब इसे ठंडा करते हैं। पेस्ट्री हमारी तैयार है, ठंडा करके लिए मैंने फ्रिज पर रख दिया था, एकदम चील्ड होके आ गई है, सेट हो गई है। अब आपको सर्व करता हूँ, उसको काट के भी दिखाता हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी बढ़िया है। आई होप आपको मेरी बनाई हुई ओरियो बिस्कुट की भी पेस्ट्री की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए मैं कट कर रहा हूँ, कितनी आसानी से कट कर रही हो गई है, एकदम सॉफ्ट बनी है और बहुत टेस्टी बन गया है। आप इस तरह से बना के खाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।